गलती मिस किया है परफेक्ट लाइन और रिजल्ट भुगतना पड़ा है, बस यही फर्क है इस गेम में और रियल लाइफ में। पॉसिबल है बांग्लादेश के लिए अभी भी, और डग आउट से जो सपोर्ट मिल रहा है वो लाजवाब बनी हुई है दोनों टीमें मैच में। नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 फाइनल का प्रेडिक्शन गेम प्ले वीडियो लेके आए हम लोग। गेम का नाम है रियल क्रिकेट 20, पहला गेम प्ले इस गेम में। और आगे बढ़े उससे पहले पहले सबसे बड़ी बात तो दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं, तो दोनों टीम्स के कप्तान, टीम सारे सदस्यों को, सारे मेंबर्स को बधाई और सारे फैंस को बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए शुरू करते हैं हम लोग टॉस के लिए बढ़ते हुए हम लोग और हेड्स के साथ जा रहे हैं। मैं इंडिया फिर से बनाऊँ यहाँ पे और मुश्किल मैच होने वाला है मेरे लिए, लेकिन फिर भी इंडिया बनना मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है यहाँ पे। बांग्लादेश ने जीता है टॉस, बॉलिंग का फैसला किया है। अब मैं नहीं चाहता था कि मेरी बैटिंग पहली आए, लेकिन अब अपोनेंट ने टॉस जीता है तो उनकी बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर टीम की बात करें तो पुरानी टीम दिखेगी क्योंकि अपडेट हुई नहीं है गेम में, गेम अपडेट नहीं हुई है, स्क्वाड अपडेट नहीं हुई है। टॉस नया अपडेट आया है और मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी वो है स्कोर कार्ड। चौके के साथ शुरुआत मेरी हुई है मैच की, और ऑटो प्ले की तरफ बढ़ेंगे अभी के लिए हम लोग। 20 ओवर का ऑटो प्ले यहाँ होता हुआ और अब हम अपने हाथ में लेंगे बैटिंग। 144/2 है स्कोर। ज्यादा अग्रेसिव नहीं खेलना चाहेंगे शुरू में क्योंकि इतना श्योर नहीं है किस तरह से खेलना है। B2 है, पुश करना चाहेंगे स्क्वायर लेग के ऊपर, पैरों पे दिए गेंद, 2 की कोशिश होगी यहाँ पर और आसानी से पूरा करेंगे। इसी के साथ हमारे गेम प्ले का पहला रन बनता हुआ सेशन के हिसाब से। फील्डिंग में बदलाव का इशारा, सेम शॉट की उम्मीद, बल्ले पे लगे वो बेहतर है। यहाँ पे फिर से ड्राइव के एरिया, पॉइंट ऑफ कवर के बीच में से खेला इस बार और 2 रन यहाँ पर फिर से आएगा। गेंद को और ज्यादा बाउंस कराया है और इस बार हम लोग B2 हैं, ऑब्वियस थी ये बात। अपना फेवरेट शॉट यहाँ खेलने वाले हैं हम लोग और सफलता मिली है यहाँ पर। फाइन लेग के ऊपर से चौका मिला, अगला शॉट ऑफ साइड पे, पॉइंट के एरिया पर से रन लेना चाहते थे, शॉर्ट लेग पे, शॉर्ट मिड विकेट पे, पीछे की तरफ प्लेयर मौजूद था, शॉर्ट फाइन लेग स्ट्रोक यहाँ पे खेलना चाहेंगे। ड्राइव बढ़िया लेकिन किनारा बचा है लगते लगते। एनर्जी लेते हुए फील्डर्स डीप बाउंड्री लाइन पे यहाँ पे, और बड़ा मैच है खास करके बांग्लादेश के लिए। इंडिया जीत चुकी है सबसे ज्यादा बार अभी तक हिस्ट्री में वर्ल्ड कप अंडर 19। देख के अच्छा लगता है कि एशिया में से अच्छी टीमें बन के निकल रही है। यहाँ पर वाइट का इशारा नहीं दिया है, बड़े शॉट में कंट्रोल में खेल रहा हूँ, ऑब्वियस बात है बड़ा मैच है, मैं नहीं मिस करना चाहता, लेकिन यहाँ पे बढ़िया ड्राइव जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, चौका मिला है। जाएंगे हम लोग एक रिस्की लेकिन अपने फेवरेट शॉट में से एक पे, और यहां पर फिर से ओवर की शुरुआत बाउंड्री से हुई है, फाइन लेग पर बाउंड्री के साथ। थर्ड मैन पे एक अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलना चाहते हैं लेकिन बचे हैं यहाँ। कालरा यहाँ पे 90 पे पहुंच गए हैं लेकिन बदकिस्मती तो क्या कहूं मैं, बेवकूफी भी कह सकता हूं अपने, यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने का नतीजा है ये। थोड़ा सब्र से खेलते हैं हम लोग तो सेंचुरी कर सकते थे, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन एक बढ़िया इनिंग यहाँ पे पूरी होती हुई फाइनल में 76 में 90 यहाँ पे मारा है। यहाँ पर ये वो विकेट जिस तरह से खेलने गए थे थर्ड मैन के ऊपर, अगले बल्लेबाज आते हुए यहाँ पे 3 डाउन आए हैं बल्लेबाज और सेम शॉट खेलना चाहता, नहीं मिली सफलता। इंडियन डग आउट यहाँ पर चाहेगा एक और वर्ल्ड कप जीतना, यहाँ पे इतने नजदीक आ गए, मिस नहीं करना चाहेंगे दोनों टीमें। कप्तान भी यहाँ पर फील्डिंग सेटअप करते हुए, उन्हें भी पता है कि एक रन इंपॉर्टेंट है। लेग साइड पे ज्यादा अटैक हो रहा है तो हम लोग शॉट भी इस बार स्विफ्ट शॉट खेलने गए हैं, 2 रन आसानी से लेंगे। शॉट में थोड़ी सी वैरायटी रखना चाहते हैं ताकि एक जैसे ना लगे शॉट, 2 रन यहाँ मिलता हुआ। बड़े शॉट लेने जा रहा था फिर चेंज किया प्लान, यहाँ पे हाल फिलहाल बदकिस्मती इससे बेहतर था कि बड़े शॉट ही ले लेते, इससे बेहतर था बड़े शॉट ही ले लेता मैं। डिफेंसिव खेल रहा हूँ यहाँ पे अपने जो नेचुरल गेम प्ले उससे एकदम अपोजिट, और यही रीजन है कि यहाँ पर एक और विकेट खो रहे हैं हम लोग। ये मैं एक्चुअली सामने लॉन्ग ऑन पे मारता अगर नॉर्मल। 4 डाउन आते हुए नए बल्लेबाज जा रहे हैं रिस्की शॉट के लिए और सफलता मिली है, यही दिखाना चाहता था मैं कि अगर मैं अपने ढंग से खेलूं तो ज्यादा रन बनेंगे। यहाँ पे चौका, गेंदबाजी काफी नेगेटिव हो रही है, गेंद पैरों पे दे रहे हैं, बीट हुए हैं, पैरों पे लगी है। एक बात मुझे साफ साफ पता है कि अगर यहाँ पे हमने विकेट खोया, ये लेट शॉट लगा है पता नहीं कैसे, पैरों पे आ रही है एक और गेंद, ऑब्वियस है यहाँ पे कि हम फ्रंट फुट पे ही खेलेंगे, लास्ट टाइम बैक फुट पे खेलने गए थे स्विफ्ट शॉट लगा, स्विफ्ट नहीं उछल गई थी गेंद। आखिरी गेंद, पहले सेशन का एक अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। 2 का कॉल देना ठीक है कि नहीं, लेकिन जो भी हो डाइव लगानी पड़ेगी, आउट हो सकते हैं, नहीं बच गए यहाँ पे।
आखिरी 5 ओवर के लिए यहाँ पे 313 पे 8 इंडिया, और आखिरी 2 विकेट के लिए इस समय खेल रहे हैं हमारे 10वें नंबर के खिलाड़ी और 8वें नंबर के खिलाड़ी। 5 ओवर सर्वाइव करना मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। बड़ा शॉट तो नहीं ले पाए हैं लेकिन सिंगल जरूर निकाला है, विकेट ज्यादा बची नहीं है, तो रिस्की जो हमने सोचा था कि हम लोग आखिरी गेंद में रिस्क लेंगे वो अब चांस ही नहीं रह रहा। बहुत जल्दी मैं रिस्क ले रहा हूं लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहां पर गड़बड़ हुई है, अरे रे हिम्मत क्यों किया मैंने, रिस्क क्यों लिया, अफसोस यहां पे होता हुआ। जरूरत लगी मुझे, लॉन्ग ऑन पे गैप दिखा इसलिए रिस्क लेने जा रहा था, सफलता नहीं मिली यहां पे। टेल एंडर्स हैं आखिरी जो बल्लेबाज आते हैं गेंदबाज वो हैं, तो रेटिंग ज्यादा हाई नहीं था। आखिरी विकेट 11वें नंबर के बल्लेबाज, लॉन्ग ऑन मिड ऑन पे गैप है लेकिन स्ट्रेट शॉट, फ्रंट फुट पे पुश करना चाहेगी इन, किनारा नहीं लगाए बचे हैं। इस बार बैक फुट पे खेलेंगे, पिछली बार की गलती को नहीं दोहराना चाहते हैं, अपनी गलती से सीख रहे हैं, ये अच्छी बात है। 2 निकाला इस बार, पिछली बार फ्रंट पे, इस बार बैक फुट पे, और सफलता मिली है रनों में। इस बार मिड विकेट के आसपास से खेलने का प्लान है, लगाए शॉट बल्ले पे और 2 निकलेगा, 3 नहीं, ठीक है अफसोस तो हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, एक ही विकेट बचा है। लेग साइड की गेंद मिड ऑफ पे लेकिन लेट शॉट लगता हुआ, पता नहीं ये क्या रिस्पांस में देरी हो रही है, क्या समझ नहीं आ रहा। महमूद काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ये मानना पड़ेगा, एक बार फिर बीट कराया है, पता नहीं क्यों रिस्पांस नहीं आ रहा बटन का इतना, मैं क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। फाइनली हम लोग और बाहर गए लेग साइड में और इस बार भी बीट हुए हैं, समझ से बाहर ये चीज। यहाँ पे आते शॉर्ट पिच गेंद लीव करना चाहे लेकिन फिर भी लगी है, लगी सिर पे है, दर्द सीने में हो रहा है, मुझे नहीं लगता है बल्ले पे लगेगी ये गेंद, इतना बैक फुट गए हैं लेकिन फिर भी हम लोग गए हैं, काफी ऊंची दी थी गेंद, शायद बाउंस नहीं मिला गेंद को उतना जितना बॉलर एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2 निकाला यहाँ पे, आखिरी गेंद, इसके बाद एक ओवर बाकी रहेगा। यहाँ पर फिर से मिड विकेट पे जा नहीं रही उतनी अच्छी तरह से, थोड़ा और पावर में शॉट लगना चाहिए, 2 बड़े शॉट अंत में लेने का सोच सकते हैं, उससे पहले कोई चांस है नहीं। यहाँ पर दोनों तरफ से प्लेयर आ रहे हैं, शॉट फाइनल शॉट थर्ड मैन से, 2 निकाला हमने अभी के लिए, पुश करना चाहेंगे, बहुत पैरों पे दे दिए गेंद, स्क्वायर लेग पे प्लेयर है लेकिन इशारा किया है उसने फाइन लेग की तरफ और हमने 2 निकाल लिए। यहाँ पे 3 गेंदे, 3 पे 2-2-2, उनमें चौके की उम्मीद, अपना फेरी शॉट खेलने वाले हैं। और जी हाँ, जाते जाते पॉर्केल ने 18 गेंदों में इस समय 26 कर दिए, 1 गेंद बाकी है अभी। कन्फ्यूज बहुत हूँ मैं, शायद वो आउट ही हो जाऊंगा, लीजिए बल्ले पे नहीं लगी, ये खराब है सबसे खराब, बल्ले पे ना लगना, उस बल्ले पे लगती फिर देखते जो होना है लेकिन लगी ही नहीं बल्ले पे, तो सारे चांसेस खत्म हो गए वहीं पे। अभी के लिए पहली इनिंग समाप्त होती हुई इंडिया बांग्लादेश अंडर 19 फाइनल की, स्कोर कार्ड पे 349 मारे जरूर हैं लेकिन ऑटो प्ले अगर साथ देता है बांग्लादेश का तो आसानी से जीतने वाली है मैच। बॉलिंग कार्ड भी हम आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पर यह है बॉलिंग कार्ड और फाइनल स्कोर की जो समरी है पहली इनिंग की आपके सामने। और अब बांग्लादेश अंडर 19 उतरेगी इसे चेस करने के लिए 350 का टारगेट। एम्पायर सेकेंड इनिंग की शुरुआत के लिए आते हुए, साथ ही साथ इंडियन फील्डर्स मैदान में एंट्री ले चुके हैं और साथ ही पाकिस्तानी नहीं बांग्लादेशी ओपनर्स आते हुए। शुरुआती ओवर्स किस अप्रोच से खेलते हैं वो देखना जरूरी, लीव किया है। 20 ओवर का हिस्सा पूरा होता हुआ 137 पे 2 और देखते हैं 21 से 25 में क्या खेलती है, और अगर हम विकेट ले लेते हैं तो हमारे साइड में हो सकता है ये ऑटो प्ले। तेज गेंदबाज के साथ फाइनल मैच, पहला सेशन हमारे गेम प्ले का और उस पे पड़ा है 6। हार्डकोर मोड है पहले ही बता दूं मैं, यहां पर हार्डकोर मोड में खेल रहे हैं तो आसान होगा बल्लेबाज के लिए। यहां पे कैच का मौका है और सफलता मिलती हुई अगली गेंद पे, अगर यहां 2-3 विकेट निकाल लेते हैं तो ऑटो प्ले हमारा काम कर सकता है। बल्लेबाज आउट होते हुए यहां पर बड़ी सफलता, अगले बल्लेबाज 3 डाउन बैट्समैन। ना मैंने पहली गेंद पे 6 एक्सपेक्ट किया था, ना मैंने एक्सपेक्ट किया था विकेट यहां पे डॉट होते हुए, और यहां पे एनर्जी हमारे इस बार इंडियन फील्डर्स लेते हुए, कौन है ये तो मेरे को आइडिया है नहीं लेकिन जरूरत है सबको इस समय। दूसरे ओर से स्पिनर के साथ गए हैं, डिफेंस देखने को मिल रहा है, धीरे पड़ गया है बैटिंग लाइनअप शायद। 1 विकेट निकालते हैं तो मैं मानता हूं बहुत बड़ी वापसी होगी, लेकिन हम जैसे विकेट की बात की जवाब मिला है 6 के साथ। बांग्लादेश डग आउट यहां पर हाल फिलहाल तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है मैच की, डिसाइड नहीं कर पाएगा क्या फीलिंग रख। 1 6 खाया है, अगली गेंद आम बॉल, अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट, निकाले रन थर्ड मैन पे चौका, महंगा ओवर गया है, कप्तान सोचने पर मजबूर होंगे क्या तेज गेंदबाज इस सिचुएशन में बेहतर है, देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। बल्लेबाज लेफ्टी जरूर आया लेकिन साइड में बदलाव नहीं, लीव किया है, वाइड होगी क्या, जी नहीं वाइड नहीं है।
कंफ्यूज किया था पिछले गेंद पे बल्लेबाज को, इस बार भी जाने दिया है। नए गेंदबाज स्पिनर को हटाया गया है और राउंड दो विकेट आए हैं ये, अभी के लिए डीप में प्लेयर मौजूद है, दो लेकिन निकाल लिए हैं। एक विकेट और मिल जाता है तो बहुत हेल्प मिलेगी हमको। बल्लेबाजों का रुख बदल गया है, मिक्स क्रिकेट खेल रहे हैं, अग्रेसिव भी डिफेंसिव भी। इस बार गए हैं आउट स्विंग यॉर्कर के लिए, डिफेंस देखने को मिला है, परफेक्ट है नहीं वो भी। इन स्विंग गेंद गुड लेंथ से आ रही है, स्ट्रेट शॉट खेला है गेंदबाज के हाथों में। हौसला बढ़ाते हुए फील्डर, जरूरत है इस समय, बुलंद रहे हौसले बस। ये तीसरा ओवर है लेकिन अभी तक लाजवाब ओवर किए, पहली गेंद पे खास करके सिक्स खाया था, उसके बाद वापसी लाजवाब। इस सेशन की शुरुआत सिक्स से हुई थी एंड डॉट के साथ हुआ है, बढ़ेंगे हम 45 से 50 की तरफ। सात विकेट गंवाए हैं बांग्लादेश ने और ये मैच ऐसी सिचुएशन में है कि मेरे को पता है ये गेम किस तरह से काम करती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीत सकती है बांग्लादेश। ऑन पेपर ये टारगेट मुश्किल है लेकिन इस गेम के हिसाब से ये टारगेट पॉसिबल है, और तीन विकेट क्या, दो विकेट रहते भी जीत सकती थी। अभी के लिए 279 पे सात और देखते हैं आखिरी सेशन जबरदस्त क्या होता है, 30 में 79 कर पाती है कि नहीं, 71 या 79। ये बात पता है हमें कि बड़े शॉट देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे, और पहला ही शॉट जाता हुआ कैच के लिए, मजा आ गया भाई। दूसरी गेंद पे इसी गेंदबाज ने इससे पहले भी विकेट लिया था, दूसरी गेंद पे यहां पर भी दूसरी गेंद में विकेट निकाला है, इंडिया के चांसेस बढ़ते हुए। लेकिन मैं वही बात कहूंगा, दो विकेट बचे हैं अब आते हुए, नंबर 9 के बल्लेबाज, 10 के बल्लेबाज, नंबर 10 28 में 71 थी, मिस किया है परफेक्ट लाइन और रिजल्ट भुगतना पड़ा है। बस यही फर्क है इस गेम में और रियल लाइफ में, पॉसिबल है बांग्लादेश के लिए अभी भी, और डग आउट से जो सपोर्ट मिल रहा है वो लाजवाब। बनी हुई है दोनों टीमें मैच में, जानबूझ के गुड लेंथ पे स्लोवर खिलाई है और बैकफुट पे ढकेला है बल्लेबाज को, डॉट जाएगा यहाँ पे। ये गेंद इस गेम के लॉजिक के हिसाब से परफेक्ट है और कैच तक मुझे नहीं लग रहा है, पिच खा, अरे नहीं कैच कर लिया है। एक और विकेट यहाँ बांग्लादेश गंवाता हुआ, जीत से इंडिया सिर्फ एक विकेट दूर। लेकिन मैं मानता हूँ यही बात कि अब ये बांग्लादेश अभी भी जीत सकता है, लेकिन थोड़ा टारगेट बड़ा हो गया है, ये मुश्किल है, रिस्क अब मौके है नहीं, एक गलती करेगी बांग्लादेश और ये मैच हार जाएगी। देख आखिरी बल्लेबाज नंबर 11 के मन में उम्मीद जगी हुई है यहाँ पर बैकफुट पे, अब तो हर एक गेंद पे जगेगी उम्मीद। बातचीत की है, 118 क्रॉस हो गया है, अब सिक्स लगेगा फिर डिफेंस होगा, सिक्स लगेगा फिर डिफेंस, सिक्स लगने का चांस है लेकिन इसका मतलब विकेट लेने का भी हमारे पास चांस है। देख सकते हैं बड़ा शॉट लेकिन बाउंस गया है, वन बाउंस टू बाउंस लगभग हो गया था, दो निकाले रन पर बड़े शॉट लगने वाले हैं। वापसी कराई इस गेंदबाज ने, इससे पहले वाले गेंदबाज ने विकेट लिया, फिर से मौका बनता हुआ, फिर से वन बाउंस पहुंचा है, खेलेंगे अग्रेसिव ही खेलने वाले हैं अब ये लोग। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है मेरा यहाँ पर, और गैप में है ये गेंद, कैच के लिए नहीं है, बाउंड्री तो नहीं है ये तो पता है मुझे, लेकिन दो निकाल लिया है, ये थोड़ा सरप्राइज हूं मैं। दो तीन गेंदें मिस होंगे तो फिर हर एक गेंद पे बाउंड्री चाहिए होगी, खेल रहे हैं ग्राउंड शॉट और मैं पूरी तरह से सरप्राइज हूं इस वक्त, दो निकाल रहे हैं, दो का काम नहीं है यहाँ पे। अब आखिरी गेंद इनका 10 ओवर का कोटा पूरा होता हुआ, बहुत ही बढ़िया बीट हुए हैं बल्लेबाज, लेकिन स्क्वायर लेग पे इतना अच्छा शॉट खेला है कि फील्डर जब तक पहुंचेंगे तब तक ये दो ले चुके होंगे। 4वें नंबर के बल्लेबाज अब बल्लेबाजी में आ रहे हैं, आए तो पहले से हैं और पहली गेंद पे 6 रन, इनको स्ट्राइक लेने नहीं दे रहे थे सामने वाले बल्लेबाज जो सेट है, और डगआउट यहाँ पे खुश है, मूवमेंट को एंजॉय कर रहा है, ये जरूरी है दोनों फैंस। 4 से ज्यादा रन हर एक गेंद में और फिर से बड़ा शॉट, फिर से वही बात है, पहुंचेगा नहीं फील्डर तक, कॉमन हो गया ये अब मेरी कमेंट्री में, मेरी बातचीत में ये बात कहना कि पहुंच नहीं रहा है फील्डर तक डायरेक्ट, जानबूझे यॉर्कर गेंद दिए ताकि कुछ अलग खेलें, और अलग खेलना हमारे लिए भारी पड़ा है। 6 यहाँ पे पड़ता हुआ कि मेरी फेवरेट गेंद स्पिनर के द्वारा आम बॉल, लेकिन नहीं फील्डर ही मौजूद नहीं है, ये रीजन है। क्या होगा इस गेंद पे, इंपॉर्टेंट गेंद, 2 रन की कैच होंगे यहाँ पे, जी नहीं अंत में फाइट बैक देने की कोशिश की यहाँ पर अंडर 19 बांग्लादेश की टीम ने, लेकिन ये टूर्नामेंट एक बार फिर रहा इंडिया के नाम। राहुल द्रविड़ ने जो मेहनत की थी बॉयज़ के साथ, अंडर 19 टीम के साथ, वो सफल रही है मैं कह सकता हूँ। 323 पे आउट हुए यहाँ पर बांग्लादेश की अंडर 19 टीम, और अंत में इंडिया अंडर 19 जीता है 26 रनों के साथ इस फाइनल में, इस टूर्नामेंट में लाजवाब परफॉर्मेंस दिया, जो बेस्ट टीम थी उनको हराया है, और अंत में सामना हुआ सेकंड बेस्ट टीम के साथ, क्योंकि अब वो हारे हैं तो सेकंड बेस्ट ही कहलाएंगे। यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता हुआ,
और हमारा गेम प्ले प्रिडिक्शन का टाइम भी यहाँ पे हो रहा है ख़त्म, कुछ देर में मैच चालू होगा, तो इन्जॉय करना आप लोग सब लोग, मैं भी देखूंगा, देखते हैं कौन जीतता है, प्रिडिक्शन सही होता है या नहीं। अभी के लिए ले रहा हूँ विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।